सेलेबस फॉर बीए इकोनॉमिक्स अंडर च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अंडर विनोद भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिलेबस आउटलाइन फॉर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो तैयार हो जाइए बीए सेमेस्टर फोर के विद्यार्थी, अब चूँकि एग्जामिनेशन को कम्प्लीट कर चुके हैं, और अगर आप सेमेस्टर फाइव में चले गए तो सबसे पहले तो काम ये होता है कि आप सिलेबस को डिटेल से समझ लें। जब तक आप सिलेबस को विस्तृत ढंग से ना समझेंगे तो आप अपने समय सीमा के भीतर उन सिलेबस को कभी भी कवर नहीं कर पाते हैं। सो हमारी भी एक पहली ही प्राथमिकता रहती है कि पहले सिलेबस को हम डिटेल में बता दें, और इसके बाद फिर आप अपने अनुसार ऑप्शनल पेपर का भी यहाँ पर चूँकि आपको चयन करना है, तो उसके चयन करने के बाद फिर आप अपनी सुविधा अनुसार अपने जो कोर्स है उसको जारी रखें और पूरी अच्छे से तैयारी करें ईमानदारी पूर्वक। चूँकि आपको हर एक सेमेस्टर में कुछ नए पेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो नए पेपर नहीं होते, दरअसल वो दूसरे पेपर के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर भी दो पेपर ऐसे ही आने वाले हैं, जैसे कि आपका कोर पेपर के तौर पर होगा, तो कोर आपका 11 और कोर 12, ये दो कोर पेपर है आपका। कोर 11 का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस पेपर का ही नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग इकोनॉमिक्स चूँकि पढ़ रहे हैं तो कौन सा ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, और कौन सा डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये है पेपर का नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पेपर के अंदर आपको तीन सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इकोनॉमिक्स के ही सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आपको पहला नॉलेज होना ज़रूरी है इसमें, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का। दूसरा जो नॉलेज होना ज़रूरी है वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, और यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही पेपर का अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आपको तीसरा पेपर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, वो है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जिसको आपने पिछले ही सेमेस्टर फोर में ही पढ़ा था। आपको हम दिखा देते हैं, सेमेस्टर फोर के अंदर में आपने जो है कोर पेपर 9 जो पढ़ा था, दैट इज़ कह सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, तो ये जो पेपर है आपका। और सेमेस्टर टू के अंदर में जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ठीक है, सेमेस्टर टू के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था और जो इंडियन इकोनॉमी था, दोनों ही पेपर आपका सेमेस्टर टू में था। तो सेमेस्टर टू के अंदर ये दो पेपर, और सेमेस्टर फोर वाला आपका यहाँ पर देख लीजिए ये दो पेपर है ना, ये यानी कि टोटल 4 पेपर हो गए ना इस तरह से। यानी कि 4 पेपर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर को फिनिश करने के लिए अच्छे से, ठीक है, तब जाकर के आप जो है यहाँ पर इसके सभी मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह के जो है वो हैरड-डॉमर मॉडल था, जिसको भारत की पहली पंचवर्षीय मॉडल यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही इस्तेमाल किया गया था। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हैरड-डॉमर मॉडल का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये हैरड-डॉमर मॉडल है क्या, इसकी कौन कौन सी मान्यताएँ थी, किस देश के संदर्भ में ये मॉडल लिखा गया था, और विभिन्न अर्थशास्त्रों ने इसका किस किस प्रकार से जो है आलोचना भी किया है, इन सब सारी बातों को आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो कि 56 से 61 तक चला था, वो भी आपका जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालॉबिन्स के मॉडल पर आधारित था, जिसमें कि भारी उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये वाला भी आप नॉलेज यानी कि पीसी महालॉबिन्स का मॉडल जो है वो आप इसी पेपर के अंदर पढ़ेंगे, जिस पेपर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का भी नॉलेज रखते हैं तो बहुत बेहतरीन ये पेपर हो सकता है आपका, ठीक है। इसके साथ में जो नेक्स्ट पेपर है आपका कोर 12 है ना, 12वां जो कोर पेपर है वो है क्या, पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, यानी कि आर्थिक विचारों का इतिहास। तो जैसे कि आप एडम स्मिथ के बारे में जानते होंगे कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं या फिर अर्थशास्त्र के पितामह हैं, जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन किताब भी लिखा है। हालांकि इस किताब का नाम थोड़ा लंबा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ की ये जो किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में प्रकाशित तो हुआ था, और उसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया था। और हम लोग ये भी जानते हैं थोड़ा बहुत कि उसी किताब में एडम स्मिथ ने जो है वो कररोपण का भी सिद्धांत दिया, श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया, जिसके ऊपर 3 अध्याय केवल लिखे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि एडम स्मिथ ने जो है वो किस किस तरीके से जो है वो सोचते थे, कैसे किस तरीके के उनके जो है वो विचार रहे हमेशा से, क्या क्या मान्यता रहती थी उनकी एक सामान्य रूप से,
इन सभी बातों को आप यहाँ पर समझ पाएंगे। यानी कि इस पेपर का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपने अब तक जिन अर्थशास्त्रियों के बारे में नाम सुना है उनके बारे में आप विस्तृत ढंग से जान लें। जैसे कि आप रॉबर्टसन के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि आप रिकार्डो के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, माल्थस के बारे में जनसंख्या का सिद्धांत आपने पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा, सेमेस्टर 4 के अंदर। तो ये सब सारा जो नॉलेज था आपके अंदर वही यहाँ पर एक साथ में एक समरी के तौर पर आप पढ़ेंगे, एक कहानी जैसा पढ़ेंगे। और इसी पेपर का नाम दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, यानी कि आर्थिक विचारों का इतिहास। इसी पेपर में आप जो है वो गांधी जी के आर्थिक विचारों को भी पढ़ेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से आर्थिक विचार उनके थे। और इसी पेपर में आपको मिलेगा कि अमृत सेन, जिनको कि अर्थशास्त्र के फील्ड में ही 1998 यानी कि 1948 में सॉरी 1998 में जो है वो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, तो उनके किस प्रकार से आर्थिक विचार रहे, इन विचारों को भी हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पेपर के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्रों के अलग अलग विचारों को आप समझ पाएंगे, यानी कि एक विस्तृत ढंग से जो है वो आप एक कहानी समझेंगे, एक अपने परिवार का समझ लीजिए। जैसे हम लोग सभी तो आप इकोनॉमिक्स के ही परिवार हैं, तो इसका मतलब हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, माल्थस हो गए, रॉबर्टसन हो गए, प्रोफेसर रॉबिन्स हो गए, सैमुअलसन हो गए, अमृत सेन हो गए, है ना, और गांधी जी भी हो गए। इस तरह के जितने भी यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लोगों का विचार था, जिनको हम आर्थिक विचार कह रहे हैं, उन आर्थिक विचारों के बारे में ही आप विस्तृत जानकारी ले पाएंगे इस पेपर के अंदर। यानी कि दोनों ही पेपर ज़बरदस्त होने वाले हैं आपके। अब यहाँ पर दो जो हैं वो आपको ऑप्शनल पेपर पढ़ने होंगे। ये दोनों पेपर आपको अपने अनुसार चयन करना होगा, लेकिन दोनों पेपर को अलग अलग चयन नहीं करना होता है। आपको हम बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ स्पेशल, बहुत ही मोटे लाइन में लिखा गया है कि स्टूडेंट्स विल ऑप्ट, स्टूडेंट चयन करेंगे, ऑप्ट मतलब चयन करेंगे, फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। नीचे जो ग्रुप्स दिए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, इन ग्रुप्स में ही किसी एक ग्रुप को चयन करना होगा। किसके रूप में? बोला एज डीएसई पेपर। डीएसई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इलेक्टिव इसलिए बोला है चूंकि आपको चयन करना है, स्पेसिफिक इसलिए बोला है चूंकि आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसको चयन करेंगे कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, सेमेस्टर 4 और 3 में बहुत अच्छे स्कोर किया है उन्होंने, चाहे तो स्टैटिक्स का हो या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हो। इन दोनों ही पेपर में जिनका बेहतरीन प्रदर्शन होगा, यानी कि सांख्यिकी में और गणितीय अर्थशास्त्र में, दोनों में अगर आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो आप जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का चयन कर सकते हैं। हम चयन कर सकते हैं कह रहे हैं, मतलब आप भी चाहें तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अलावा एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम व्यक्तिगत राय तो यही देते हैं कि अगर आपका जो वो आपका स्टैटिक्स में और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अगर आपका बहुत अच्छा पकड़ है, तो आप ग्रुप ए का ही चयन करिए, आपके लिए अच्छी ए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको केवल यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ही पढ़ने हैं, बल्कि आपको एक पेपर का नाम है इकोनोमेट्रिक्स, ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों पेपर आपके होने वाले हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के अंदर। यानी कि सेमेस्टर 6 में दोबारा से आपको किसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट का चयन नहीं करना होता है, सिर्फ आपको 5 में ही चयन करना होता है। सेमेस्टर में यही पेपर जो है दोबारा से आपके आएंगे, एक अलग ही कंटेंट के साथ में। कंटेंट बदलेगा, पेपर वही होंगे, ठीक है। फिर अगर आप ग्रुप बी रखते हैं तो किन के लिए बेहतर है? खास करके जो ग्रेजुएशन के बाद आगे जो है वो ग्रेजुएशन में ही, यानी कि जिस तरीके से आपने इकोनॉमिक्स पेपर रखा, आप पीजी में ही अगर इकोनॉमिक्स के नहीं करना चाहते या फिर पीजी करना ही नहीं चाहते हैं, तो उस समय हम आपको व्यक्तिगत राय तो यही देंगे कि आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का चयन कर लीजिए, जिसमें कि आप कृषि अर्थशास्त्र कह रहे हैं इसको, और दूसरा ही पेपर आपका हो जाएगा डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी। तो जनसंख्या से संबंधित बातों को आप पढ़ पाएंगे, जैसे कि शिक्षा साक्षरता दर, है ना, और किस राज्य में कितनी जो है जनसंख्या है, कौन से राज्य जो है वो आप कह सकते हैं कि जनसंख्या के मामले में आगे है, या फिर कौन सा राज्य जो है वो जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कह सकते हैं कि उत्पादन का स्तर बहुत ज़्यादा है, है ना, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जन्म दर ज़्यादा है। तो यानी कि आप यहाँ पर डेटा के साथ खेलते हैं, समझ लीजिए। तो
और आप पूरी जनसंख्या की विशेषताओं को जान पाते हैं। पहला ही पेपर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ते ही हैं, साथ साथ में आपको जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ना होता है, जैसे कि नाबार्ड के बारे में आप जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे। इस तरह के कुछ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप सी के अंदर जो है आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम औद्योगिक अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि वित्तीय संस्थान, जैसे कि एक मैंने अभी डिस्कस भी किया नाबार्ड के बारे में। हालांकि नाबार्ड आपका जो है एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर जो है वो दूसरे अदर किसी के बारे में, जैसे कि IDBI है ना, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है आपका ये बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो आप पढ़ेंगे डिटेल में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैंने बात किया है ना, वर्ल्ड बैंक की आप चर्चा कर सकते हैं, IMF का आप चर्चा कर सकते हैं, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे। तो ये सब सारा जो है आपको दोबारा से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में अच्छे से डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो ये दो पेपर खास करके ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो है हम उन विद्यार्थियों के लिए सजेस्ट करते हैं जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे कुछ भी नहीं करना चाहते, यानी कि ना MBA करना है उनको और ना बम्बे करना है, सीधे तौर पर कहें तो, मतलब ना ही उन्हें जो वो मास्टर करना है इकोनॉमिक्स के अंदर में, और ना ही आगे चल करके PhD वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए हम खास करके कहते हैं ग्रुप सी या फिर ग्रुप बी का चयन कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से ज़्यादा फायदा ये हो रहेगा कि एग्रीकल्चरल से या फिर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसीज या फिर योजनाओं के बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। डेमोग्राफिक फीचर्स जब पढ़ते हैं तो आप जान पाते हैं कि किन राज्यों की साक्षरता ज़्यादा है, किन राज्यों की कम है, तो ये सब चूँकि आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में सवाल तो पूछे ही जाते हैं। साथ साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी सवाल होता है, चाहे तो IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, है ना, IDBI का हो, इस तरह के बैंकों के बारे में भी जो, या फिर इस तरह के संस्थाओं के बारे में भी तो आपको जो है वो जनरल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो मुख्य तौर पर आपको अगर हम कहें तो जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगे चल करके, तो आप ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी का चयन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी व्यक्तिगत राय है, आप अपने अनुसार एक बार अपने गुरुजन से या फिर अपने जो सीनियर हैं उनसे आप जरूर सलाह फिर से ले लीजिएगा, ठीक है। और अपने आप को भी जो है निखारने की कोशिश करिएगा कि किस पेपर में आपकी रुचि ज़्यादा है, ठीक है। कहीं आप अपने दोस्तों के हिसाब से तो नहीं चयन कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ना आपको है, आप इसमें स्पेसिफिक होने जा रहे हैं, आप इसमें विशिष्ट होने जा रहे हैं, ये भी तो ध्यान रखिए। सो ये आपका ऑप्शनल पेपर है, ध्यान रखिएगा, यानी कि तीनों में से किसी एक ग्रुप का आपको चयन करना होगा। दोबारा से आपको सेमेस्टर 6 में फिर से चयन नहीं करना होगा, जो कि जो दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शनल पेपर है, ये आपका वही ऑप्शनल पेपर रहेगा जो आपका 5 में था, सिर्फ कंटेंट आपका बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स था तो यहाँ पर भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ और कंटेंट पढ़ा था मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, तो यहाँ पर उसके कंटेंट बदल जाएंगे, पेपर का नाम वही होगा लेकिन कंटेंट बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपने एग्रीकल्चरल का चयन किया था 5 सेमेस्टर में, तो 6 सेमेस्टर में भी आपका एग्रीकल्चर ही रहेगा, और अगर आपने इंडस्ट्रियल का किया था तो 6 सेमेस्टर में भी आपका इंडस्ट्रियल पेपर ही रहेगा। मतलब आपके पेपर नहीं बदलने वाले हैं, बस उसके अंदर कंटेंट बदल जाएंगे, यानी कि सेमेस्टर 6 के अंदर कभी भी जो आपको फिर से चयन नहीं करना होगा। अच्छा, कई विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे हमसे, ठीक है, मैसेज आया था इसके बारे में भी, कि क्या हम जो है वो ग्रुप ए का एक पेपर और ग्रुप बी का दूसरा पेपर ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ग्रुप ए का चयन किया जिसमें कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रख लिए और ग्रुप बी से आप डेमोग्राफी का रख लिए, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या फिर आपको अच्छा लगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नंबर तो खूब उठ जाएगा और उसके बाद आपने जो है वो एग्रीकल्चरल का चयन कर लिया, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी कि ये ग्रुप में ही बंधे हुए हैं एक साथ में ही, यानी कि जैसे ही आपने कह दिया कि सर हमको ग्रुप ये रखना है, इसका मतलब आपका मैथमेटिकल भी हो गया और आपका इकोनॉमेट्रिक्स भी हो गया। और अगर आपने ग्रुप बी का चयन किया है तो आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के हो गए स्टूडेंट और डेमोग्राफी के, मतलब आपको यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से आपके पेपर आ जाते हैं। आप पेपर का स्पेसिफिक चुनाव नहीं कर सकते कि आपने मैथमेटिकल चुनाव कर लिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको ग्रुप का चयन करना है कि ग्रुप ए रखना है या ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, और भी विस्तृत जानकारी के लिए हम जो है वो अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, इस वजह से हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका जैसे कि इस सेमेस्टर 5 के अंदर जो पेपर हैं वो किस किस तरीके से हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से जो है बुक हैं,
ये सब भी आपको हम सजेस्ट कर देने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, इन सारे पेपर के ऊपर में हम लोग विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि आपका कोर 5 के अंदर में ये पेपर जो है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर किस किस तरह के सवाल होंगे, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब सभी क्वेश्चन को हम एक बार अलग ही वीडियो में छांट करके आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा कर दीजिए ताकि वो भी सिलेबस को डिटेल में समझ पाएँ। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते कह रहे हैं जय हिंद, वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।